वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहजेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं। एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन है हमारे पास, गूगल का पिक्सल 4 एक्सल। अभी करंटली प्राइसिंग इसकी 37,000 रुपीज़ है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। और अभी ये नया नया फ़ोन आया ना, नथिंग फ़ोन 1, इसकी भी ऑलमोस्ट प्राइसिंग 33,000 से स्टार्ट हो जाती है, 32,000 से स्टार्ट होती है। तो भाई, अब कंपैरिजन तो बनता है कि आप ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन गूगल का परचेज़ करना चाहें तो इसे परचेज़ करें, या फिर नथिंग फ़ोन 1, नई नई कंपनी है, नया नया फ़ोन है, कैसा स्पीड टेस्ट रहता है दोनों का, आपस में चेकआउट करते हैं आज की वीडियो में। कौन बेहतर है, कौन किसको हराने वाला है, वीडियो का एंड तक ज़रूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पिक्सल 4 एक्सल के अंदर स्नैपड्रैगन का 855 का प्रोसेसर लगा हुआ है, ऑलमोस्ट N22 पे परफॉर्म करता है, 430,000 के स्कोर्स आपको मिलते हैं। लेकिन एक फ्लैगशिप ये प्रोसेसर है अपने वक्त का, अभी 2 साल पुराना है ना ये। और ये नथिंग फोन 1 अभी लॉन्च हुआ है, काफ़ी सारे वीडियोस बन चुकी हैं, चैनल पे अपलोडेड है, आई बटन पे लिंक आ गया है, फुल एंड डिटेल रिव्यू अभी इसका किया था, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन का 778 प्लस 5G प्रोसेसर है। N22 पे ये परफॉर्म करता है दोस्तों ऑलमोस्ट 530,000 के स्कोर्स पे। स्कोर्स तो इसके ज़्यादा हैं, लेकिन क्या परफॉर्मेंस भी ज़्यादा बेटर है स्पीड टेस्ट के मामले में, चेकआउट कर लेते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन हमारे पास हैं, नथिंग फोन 1 राइट साइड है, पिक्सल 4 एक्सल लेफ्ट साइड है। नेटवर्क आप देख लीजिए, डिजिसोल से कनेक्टेड हैं और ये भी डिजिसोल से कनेक्टेड है, ठीक है। सेम नेटवर्क पे हैं, सेम स्पीड आएगी एकदम। ऑन करते हैं अब सबवे सफ़र, 1, 2, 3 एक साथ किया मैंने। इसमें पहले लोड हुआ है नथिंग फ़ोन 1 में, लोडिंग में देखते हैं। ये जीत गया, बड़ी जल्दी ओपन किया नथिंग फ़ोन 1 ने, ये पीछे रह गया। नेक्स्ट ऐप ओपन करते हैं, मेमोरी में रखेंगे सारी ऐप्स को। एसफॉल्ट 9, 1, 2, 3 एक साथ किया मैंने और देखते हैं कौन पहले लोड करता है। हल्का सा ये मुझे आगे लगा, ओ पिक्सल 4 एक्सल जीता है इसमें, हल्का सा 1 सेकंड पहले, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी, एक साथ करेंगे 1, 2, 3। लेट्स चेक कॉल ऑफ ड्यूटी में कौन आगे निकलता है। एंड यहाँ पे ये पहले लोड हुई है नथिंग में। अभी यहाँ पे इसमें पहले ओपन हो चुकी है गेम और ये अभी भी लोडिंग पे फंसा हुआ है। पता नहीं ये क्यों फंस गया, लेकिन यहाँ पे पिक्सल जीता है। नेक्स्ट करते हैं शेडो फाइट, 1, 2, 3 देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे पहले पेज ओपन हुआ है, नथिंग फोन 1 विनर है इसमें। अब ओपन करते हैं फेसबुक, 1, 2, 3 यहाँ पे नथिंग आगे निकल गया। उसके बाद करते हैं स्पीड टेस्ट, इसमें भी नथिंग आगे निकल गया। बड़ी अजीब सी बात है, नथिंग पहले खोल रहा है, इसमें पिक्सल जीता है। फ्लिपकार्ट में पिक्सल ने खोला है, अमेजन खोलते हैं 1, 2, 3 इसमें ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंस्टाग्राम इसमें नथिंग, OLX इंडिया 1, 2, 3 इसमें भी नथिंग ने पहले खोला। यूट्यूब 1, 2, 3 इसमें भी नथिंग जीता है। प्ले स्टोर खोल लेते हैं, इसमें सेम है, एकदम भी डिफरेंस नहीं था, एकदम एग्जैक्टली सेम टाइम पे खुले हैं। अब खोलते हैं गूगल क्रोम, 1, 2, 3 इसमें मुझे हल्का सा नथिंग लगा है आगे, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था। तो काफ़ी सारी ऐप्स खोलनी है। अब रीलोडिंग टाइम देखते हैं कि कितना मेमोरी में इन्होंने रखा है अपने, ठीक है। शुरू से करते हैं, सबसे पहले सबवे सफ़र, दोनों ने रीलोड किया और रीलोडिंग टाइम में भी नथिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है आगे निकल गया। हाँ नथिंग यहाँ पे आगे निकल गया। उसके बाद एसफॉल्ट 9, दोनों ने रीलोड किया है और रीलोडिंग टाइम भी यहाँ पे नथिंग का फास्ट है पिक्सल के मुकाबले में, देख रहे हैं आप। यहाँ पे भी नथिंग, कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों ने रीलोड किया है,
और यहाँ पे भी नथिंग फास्ट है। शेडो फाइट दोनों ने रीलोड किया है, मेमोरी में सेव नहीं है गेम्स। और यहाँ पे भी नथिंग की मुझे लगता है लोडिंग यहाँ पे भी आ गई है। हाँ यहाँ पे भी पहले पेज ओपन हुआ है। सो रीलोडिंग टाइम में भी नथिंग यहाँ पे बाजी मार रहा है। उसके बाद देखते हैं फेसबुक, रीलोड नहीं करना पड़ा, मेमोरी में स्टोर था, सेम टाइम। स्पीड टेस्ट दोनों ने रीलोड किया है और यहाँ पे भी हल्का सा नथिंग आ गया था। बड़ी ताज्जुब की बात है कि पिक्सल पीछे आ रहा है फ्लिपकार्ट, ये भी इन उन्होंने रीलोड किया है दोनों ने। और यहाँ पे भी फ्लिपकार्ट पहले ओपन हुआ है, अभी भी रीलोड हो रहा है। सो पिक्सल पीछे है यहाँ पे भी। अमेज़ॉन खोलते हैं, ये भी रीलोड हुआ है, नथिंग आगे था। उसके बाद इंस्टाग्राम, ये भी नथिंग जीत गया। वाओ सब में नथिंग जीता है। ओएलएक्स पहले जीत गया नथिंग, वाह। यूट्यूब रीलोड हुआ है, यहाँ पे भी नथिंग जीत गया, क्या बात है। और कोई ऐप बची है? प्ले स्टोर ये ऑलमोस्ट सेम है। सो रीलोडिंग में भी दोस्तों यहाँ पे नथिंग ने बाजी मारी है। और वैसे तो मेमोरी में दोनों ने ही कोई भी ऐप को रखा नहीं था, दोबारा रीलोड ही हुए हैं सारी चीज़ें। लेकिन फास्ट जो है वो नथिंग फ़ोन 1 है पिक्सल के मुकाबले में। सो ये था दोस्तों स्पीड टेस्ट पिक्सल 4 एक्सल एंड नथिंग फ़ोन 1 के बीच में। और बड़ा ही ताज्जुब वाली बात है कि नथिंग फ़ोन 1 ने पिक्सल 4 एक्सल को बीट कर दिया है। ऐप्स ओपनिंग स्पीड की बात की जाए या फिर ऐप्स के रीलोडिंग टाइम की बात की जाए, रीलोडिंग टाइम सबसे कम नथिंग फ़ोन 1 का था और ऐप्स का लोडिंग टाइम भी यहाँ पे सबसे कम नथिंग फ़ोन 1 का था। बहुत फास्ट रहा है, पिक्सल 4 एक्सल को आसानी से इसने पीछे कर दिया है। स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर 778+5G के सामने स्पीड टेस्ट के मामले में हारता हुआ नजर आया है। सो नो डाउट नथिंग वालों ने अपने नथिंग फोन 1 के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट में काफी अच्छे से काम किया है और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दिया है वो यकीनन ज्यादा फास्ट है पिक्सल के डिवाइसेस के सामने भी। सो कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन का वीडियो, स्पीड टेस्ट का वीडियो, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी है उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। और चैनल पे पहली बार आपने वीडियो देखी है तो ये टेक थेरेपी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन है दबा दीजिए उसको। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।